लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल में किसान अपनी मंडी में अपनी सब्जियां अच्छे दामों पर बेच रहे हैं। स्थानीय लोग काफी मात्रा में यहां से सब्जियां खरीद रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई सब्जियों को बेचने के लिए अपनी मंडी स्थापित की है। पहली बार कृषि विभाग ने अपनी मंडी का स्टॉल लगाया है। दुर्गम जनजाति क्षेत्र लाहौल स्पीति पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक खेती हो रही है, लेकिन यहाँ पर फसल विविधीकरण इतने व्यापक स्तर पर नहीं था। कृषि विभाग ने विविधीकरण का भी विस्तार करते हुए किसानों को जागरूक किया और प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को और बारीकियां सिखाई। अपनी मंडी स्टॉल पर ब्रोकली, बंद गोभी, धनिया, मूली, देसी शलगम, लेट्यूस आदि प्रमुख सब्जियां हैं। लॉकडाउन में इस बार प्रगतिशील किसानों को तैयार हुई फसल को बेचे जाने को लेकर चिंता सता रही थी। किसानों ने कृषि विभाग के समक्ष मामला उठाया कि उन्हें अपने उत्पाद बेचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन भी है और दूसरी तरफ वो पहली बार इस तरह के उत्पाद बाजार में सही दामों पर बेचना चाहते हैं। इसी मामले को कृषि विभाग ने सुलझाते हुए अपनी मंडी नाम से काजा में स्टॉल लगाने का फैसला लिया और एडीएम ज्ञान सागर नेगी से स्टॉल लगाने की अनुमति ली। अपनी मंडी में ईसी ढोलमा और उर्गेन अंकित, नवांग दिलीप, टाशी नावांग आदि किसानों ने स्टॉल पर सब्जियां बेच रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, जनजातीय तकनीकी शिक्षा, जन शिकायत मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा यहाँ पर फसल विविधीकरण को लेकर कृषि विभाग को आदेश दे चुके हैं। स्पीति में हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, ऐसे में यहाँ पर स्थापित होटल होम स्टे में प्राकृतिक सब्जियों की मांग काफी अधिक रहती है, इसलिए किसानों को अपने उत्पादों की चिंता कभी भी सताने वाली नहीं है। काजा उपमंडल में कृषि विभाग के तहत चल रहे आत्मा प्रोजेक्ट में स्पीति क्षेत्र के किसानों को सुवास पालेकर प्राकृतिक खेती के अधीन प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से कम लागत में स्वास्थ्य और अधिक उत्पाद कैसे तैयार किए जाते हैं, इसके बारे में यहां के किसानों को सिखाया जा रहा है। इसी वजह से स्पीति में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पहले केवल सब्जियां अपने गुजारे के लिए उगाते थे, लेकिन अब रोजगार के तौर पर भी इन्हें उगाया जा रहा है। प्राकृतिक सब्जियों की मांग काफी अधिक है। पहले किसान अपनी फसल आढ़तियों को बेचते थे, ऐसे में किसानों को सही दाम नहीं मिलता था, लेकिन अब मंडी में सीधे तौर पर किसान अपनी फसल उपभोक्ताओं को बेच पा रहे हैं, ऐसे में किसानों को अपनी मंडी से काफी लाभ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला के स्पीति क्षेत्र के लिद्दांग की रहने वाली इसे डूलमा ने प्राकृतिक खेती के तहत उगाई गई सब्जियों को लॉकडाउन के चलते भी अच्छे दामों पर बेच रही है। डूलमा अभी तक अपनी मंडी में 40,000 रुपए की सब्जियां बेच चुकी हैं। पहले भी मटर को छोड़कर कई सब्जियां उगाती थी, लेकिन केवल अपने खाने के लिए। लेकिन इस बार कृषि विभाग ने हमें व्यापक स्तर पर सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित किया था। जब लॉकडाउन लगा था तो फसल बिजाई की चिंता हो रही थी। विभाग ने सब्जियों की पनीरी मुहैया करवाई। जीवामृत का इस्तेमाल करके सारी सब्जियों को उगाया गया है। ईशे डूलमा ने बताया कि लॉकडाउन जब लगा था सभी ने डरा दिया था कि कई महीनों तक ये चलेगा, ऐसे में सब्जी की कमी होना लाजमी है। विभाग की अधिकारी स्टाफ हमारे पास आते रहे और हमें जागरूक करते रहे। इस बार मैंने सीधे बाजार में सब्जियां बेची हैं, मुझे अच्छे दाम अपनी मंडी स्टॉल पर मिले हैं। मैं प्रशासन का आभार व्यक्त करती हूं। हर साल इसी तरह स्पीति के किसानों की अपनी मंडी लगती रहे तो हमारी आर्थिकी मजबूत होगी। अपनी मंडी का हुआ है सर, पहले भी हम जैसे लगाते थे तो कम लगाते थे। वैसे हम 3-4 साल से लगा रहे थे तो कम ही लगाते, जैसे खाने के लिए और मार्केट में लाते थे तो हमें मार्केट में रेट वगैरह कम ही मिलता था, यहीं बाज़ार में बेच के जाते थे। तो पिछली बार जब एडीएम साहब से मिले तो हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमें मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो एडीएम साहब ने हमें प्रॉमिस किया था कि इस साल वो हमें स्टॉल दिलवाएंगे और लोकल मंडी लगाने के लिए हमें हेल्प करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने हेल्प की सर। फिर इस साल डिपार्टमेंट वालों ने भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, केवीके वगैरह सबसे हमें पनीरी भी मिली और उस तरह से हमने सब्जियां लगाई और एडीएम साहब की और डिपार्टमेंट की हेल्प से हमें ये स्टॉल मिला। तो हमने इस साल जो अपने पर्सनली मंडी लगाई तो इससे हमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ सर, रेट भी हमें अच्छा मिला और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है सर। और हमने इसे जीवा मिर्च ही यूज़ किया इसमें, और केंचुआ और जीवा मिर्च ही यूज़ किया इसमें। अभी अभी तक आपको इसमें कितने अर्निंग, आप यहाँ पे अपनी सब्जी कितने हज़ार रुपए या कितने रुपए की आप यहाँ पे बेच चुके हैं? सर 30-40 हज़ार। हाँ जी, 30-40 हज़ार हमने इस तरह खुद मंडी लगा के बेचा है। यही हमने कोई 4-5 दिन लगाए सर।
वैसे हम हफ्ते में एक बार लगाते थे पहले पहले ना, सर बुधवार को जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है हमने हफ्ते में 3 दिन कर दिया सर, तो फिर हमें दाम भी यहाँ ऑर्गेनिक का अच्छा मिल रहा है सर, और डिपार्टमेंट वालों ने भी काफ़ी एड वो किया हुआ सर के ऑर्गेनिक का जी, जिससे हमें काफ़ी मदद मिली, अच्छे रेट मिल रहे हैं। लॉकडाउन में जैसे कि लेबर की कमी थी, फिर आपने उस परिस्थिति में कैसे काम किया? सर हमने इस साल खेत तो दो तीन खेत लगाए लेकिन गांव से और पूरे खुद ही पर्सनली करके कर लिया सर इस साल। इस साल हमें लेबर का खर्चा कम आया है, जैसे हमने खुद ही किया, लॉकडाउन है, बच्चे भी आ गए थे, फिर गांव में भी लोगों की लोग ज़्यादा मिल गए, तो इस तरह से हमने लोगों की मदद से इस साल खुद ही किया। तो आप कह जाते कि हर साल इसी तरह का स्टॉल लगता रहे? बिल्कुल सर, तभी तो हमने इस साल आगे ताकि हमें रास्ता मिले, इस साल हमने तभी एडीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें हेल्प करें, तो उन्होंने हमें इस तरह से हेल्प की जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ सर। आगे जाके पूरे स्पीति वाले यहाँ लगा सकते हैं सर, आप देख सकते हैं पहले एक दो टोल आते थे, पहले हम हमारे गांव में सिर्फ एक दो जैसे लोग ही लगाते थे गोभी, तो जैसे मैंने उनको बताया भी था कि पहले कि एडीएम सर इस तरह से हमें लोकल मंडी के लिए स्टॉल दे रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया, तो इस साल काफ़ी लोगों ने लगाए, आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी लोगों ने लगा के इस साल मंडी में काफ़ी लोग आए हुए हैं। हाँ जी, अपनी मंडी में सब्जियां बेच रहे डंगर के दिलीप कुमार ने बताया कि अपनी मंडी में बहुत अच्छा मंच है, इससे किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को सब्जियां खराब होने का डर भी नहीं है। इसी तरह अगर मंडी लगती रही तो हम हर साल इसी तरह सब्जियां उगाते रहें। मूली और साग लाए सर, आपको क्या है यहाँ पे ठीक रेट मिल रहा है और आप क्या बेनिफिट सोचते हैं अपने इस अपनी मंडी का? हम ये सोचते हैं कि हम डायरेक्ट खेत से लाके फिर यहाँ बेच सकते हैं ताकि बीच में कोई वो ना आए, भ्रोकरी ना हो इसमें। जी सर, हम इस साइड ज़्यादा ध्यान देंगे। रंगरीर के रहने वाले किसान डासी नमज्याल ने कहा कि आजकल तो पर्यटन सीजन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सब्जियों के दाम अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि अपनी मंडी में सीधे उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं। और कहाँ के रहने वाले? सर मेरा नाम दिलीप कुमार, मैं डंकर का रहने वाला, डंकर गांव पंचायत डंकर। अभी जो बाहर जाने हमें मतलब मंडी वगैरह ले जाने की बहुत दिक्कत होगी, अब मेरे प्रशासन ने हमें यहाँ मतलब फ्री को पोस्ट में दुकान वगैरह लगाने के लिए जो उससे हमें बहुत ही मदद सुविधा दी, फ्री मतलब सब्जी बेचने के लिए सब कुछ तैयार किया, तो अगले साल इससे और अच्छा मतलब प्रशासन की ओर से मतलब बेचने की अच्छी वो करें, मुहैया करा रहे हैं, और हम भी इससे अच्छा मतलब प्रोग्रेस करने की तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। आपको यहाँ पे रेट अच्छा मिल रहा है? रेट अच्छा मिल रहा है, रेट बाजार से अच्छा मिल रहा है। एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने बताया कि यहाँ पर वर्षों से प्राकृतिक कृषि हो रही है, लेकिन प्राकृतिक खेती में भी बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है इसके बारे में कृषि विभाग ने स्पीति के किसानों को प्रशिक्षित किया है। आजकल लोग केमिकल से तैयार होने वाले सब्जियों उत्पादों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, बल्कि प्राकृतिक तौर पर तैयार होने वाले उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। अपनी मंडित स्टॉल लगाकर यहाँ के उत्पाद को सीधे मार्केट में बेचना बहुत अच्छा प्रयास है, इससे किसान बिचौलियों के जंगल से बच पाएंगे और सही दाम पर किसानों को सब्जियां मिल पाएंगी। कृषि विभाग अधिकारी काजल सुभाष ने कहा कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत किसानों को प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें फसल विविधीकरण के तहत यहां की परंपरागत फसलों को छोड़कर अन्य सब्जियों को उगा रहे किसानों के केवी के तावों से पनीरी लाकर दी गई है। इन्हें पहले ही आश्वासन दिया गया था कि आप फसल तैयार करें, सब्जियों को बाजार में सही दामों पर बेचने का प्रयास विभाग करेगा, फिर अपनी मंडी स्थापित करके किसान अपनी सब्जियों को सीधे उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं। हर साल इसी तरह अपनी मंडी लगाई जाएगी। मैं कृषि विकास अधिकारी सुभाष शर्मा, कृषि विभाग कादा से आज आपके समक्ष अपनी मंडी के बारे में कुछ बातें बताने के लिए बताना चाहता हूँ। ये जो अपनी मंडी का जो कंसेप्ट है, इसकी शुरुआत हमारी जो पीएससी मीटिंग रहती है उसमें इसका एक सुझाव रखा गया था, जिसमें कि हमारे कृषि पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी ने ये सुझाव दिया था कि यहाँ के लोग जो है फसल विविधीकरण की तरफ अग्रसर हो। उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि जितने भी यहाँ पर प्रोग्रेसिव प्रगतिशील किसान हैं उनको हम कृषि विभाग की तरफ से पनीरी तैयार करके दें,
ये सब्जियों की पनीरी तैयार करके दें। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में हमने सबसे पहले तो जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर थे जो जिन्होंने पालमपुर यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लिया था और कृषि विज्ञान के अंदर ताबो से ट्रेनिंग लिया था, उनको आइडेंटिफाई किया। फिर हमने उनको इनकी इसकी पनीरी को बांटा और उनके खेतों में जाकर हमने इसको किस तरह से तैयार करना है उसकी टेक्निक के बारे में अवगत कराया। और हमने किसानों को ये भी आश्वासन दिया कि जब ये उत्पाद आपका तैयार हो जाएगा तो हम उसके लिए आपको मार्केट की फैसिलिटी भी देंगे।